चलेंगे। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर प्रकट हुआ, मैं तपस्या में सफल हो गया, काम आया और काम मुझे पराजित नहीं कर सका, काम को मैंने जीत लिया। काम को तो भगवान शंकर ने भी जीता। नारद जी ने सोचा, अरे नहीं, हम तो शंकर जी से भी एक सीढ़ी आगे हो गए। क्यों? बोले शंकर जी ने तो काम को जीता था लेकिन क्रोध को नहीं जीता था। काम को तो जीत लिया लेकिन कामदेव के ऊपर शंकर जी को क्रोध आ गया था, और क्रोध में आकर के शंकर जी ने कामदेव को नष्ट कर दिया था। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जितवत काम गयो जर सारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, जितवत काम गयो जर सारा। जितवत काम गयो जर सारा, जितवत काम गयो जर सारा। नारद जी ने सोचा, काम को तो भगवान शंकर ने भी जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध आ गया कामदेव के ऊपर और क्रोध में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, काम का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और मुझे कामदेव के ऊपर क्रोध भी नहीं आया। ये सोचकर देवर्षि नारद के मन में अभिमान का अंकुर प्रकट हो गया और चल पड़े। और नारद जी ने सोचा, चल करके भगवान शंकर से पूछें, उनको ये कहानी बतावें कि भाई आपने तो काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता, हमने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। और ये बताने के लिए नारद जी भगवान शंकर के यहां पहुंच गए, स्वयं अपनी बिरदावली सुनाने के लिए पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, हां देवर्षि नारद आ रहे हैं, ये तो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान शंकर भी परम भक्त, दोनों कथा प्रेमी, भगवान के गुण के प्रेमी। तो भगवान शंकर ने सोचा कि नारद जी आ रहे हैं, अब इनके आने पर सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी, भगवान की चर्चा होगी, राम जी का चरित्र सुनने को मिलेगा, ये कोई नया चरित्र सुनाएंगे। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए नारद जी को देखकर, लेकिन नारद जी ने रामचरित्र नहीं सुनाया। पहुंचे तो नारद जी, लेकिन नारद जी ने रामचरित्र नहीं सुनाया। बोले क्या चरित्र सुनाया? बोले मार चरित्र सुनाया। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, पार पार बिन बहु मुनि तोरी, पार पार बिन बहु मुनि तोरी, जिमिय कथा सुनाय मोरी, जिमिय कथा सुनाय मोरी, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनावहु तबहु, चलहु प्रसंग दुरायो तबहु, चलहु प्रसंग दुरायो तबहु। मार चरित शंकर ही सुनाए, राम चरित्र के जगह पर नारद जी ने भगवान शंकर को मार चरित्र सुनाया। राम का उल्टा मार, माने राम का उल्टा ही तो काम है, जहां काम वहां राम नहीं और जहां राम जी वहां काम। सुना करके मार चरित्र सुनाया, भगवान शंकर सब कुछ जान गए और भगवान शंकर ने कहा, देखो मुनिवर, यहां तो आपने ये कथा सुनाई लेकिन मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, यह चरित्र आप कहीं अन्यत्र मत सुनाना, और जगह तो भले सुना देना लेकिन भगवान अगर मिले तो उनके सामने ये चरित्र मत सुनाना। तिमि जन हरि ही सुनायहु कबहु, भगवान हरि के सामने ये चरित्र मत सुनाना। तो नारद जी ने कहा, ठीक है आपकी हम बात मान लेते, हम नहीं
लेकिन अगर चर्चा चल गई तब तो बोल देंगे। भगवान शंकर ने कहा, नाना चले हूं प्रसंग दुरायो तब हो, अगर कोई प्रसंग भी चला दे तो इस बात को छिपा देना, मत चर्चा करना। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा भी नहीं लगा। नारद जी ने मन में सोचा, होता है कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति के अंदर अभिमान के अंकुर प्रकट हो जाएं और उसके उसको कोई बताना भी चाहे, भाई देखो ऐसा मत कहो, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके मन में लगता है कि ये मेरी प्रतिभा को दबा रहे हैं, मेरी कीर्ति को नष्ट करना चाहते हैं। और यही नारद जी के मन में पैदा हुआ। नारद जी को लगा कि भाई हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, अब हमारा यश फैल रहा है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये मना कर रहे हैं, इसलिए नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को ये बात अच्छी लगी। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज यही भगवान की इच्छा है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, भगवान जिससे जो चाहे सो करा ले। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनी। भगवान शंकर ने उपदेश दिया लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया, और नारद जी चल पड़े और सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास। क्षीर सिंधु गवने मुनि नारद, क्षीर सिंधु पहुंच गए क्षीर सागर में। भगवान को तो सब मालूम हो गया, सारी लीला तो उन्हीं की। नारद जी जब पहुंचे तो भगवान अपने आसन से उठ करके दौड़ करके नारद जी का स्वागत करते, आइए देवर। हरस मिले उठे रमानी केता, हर्षित होकर के भगवान उठे और नारद जी से मिले और आदर पूर्वक लाकर के अपने ही आसन पर नारद जी को भगवान ने बैठाया। बैठे आसन ऋषि ही समेता। अन्य दिनों में नारद जी आते थे, भगवान को प्रणाम करते थे और फिर विनम्रता पूर्वक बैठ जाते थे, लेकिन आज भगवान स्वयं दौड़ करके इनका स्वागत कर रहे हैं और ला करके अपने ही आसन पर बैठाया। और नारद जी भगवान से कुछ पूछें उसके पहले भगवान ही पूछ पड़े, बोले बिहस चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि राया। भगवान ने कहा, मुनिवर बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है दर्शन दिया। अन्य दिनों में नारद जी ऐसा कहते थे, प्रभो बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हमें मिला, ऐसी कृपा अब भई कि आपका दर्शन हुआ, लेकिन आज उल्टी बात हो रही है। भगवान कहते हैं, मुनिवर बहुत दिनों में आपने कृपा की और आपने दर्शन दिया। नारद जी सोचने लगे, अब मेरे दर्शन से इनको प्रसन्नता होती है, इसका मतलब अब मैं श्रेष्ठ हो गया, मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध की भी जीत लिया, इनको सब पता है इसीलिए आज मेरा इतना आदर कर रहे, पहले इतना आदर नहीं था, अब मेरा इतना आदर बढ़ गया, अपने बराबर आसन पर हमको बैठाया। और भगवान ने अपने बराबर ही बैठाया, बैठे आसन ऋषि समेत। अब प्रसंग चले न चले लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी ने स्वयं प्रसंग का वर्णन कर दिया, जबकि शंकर जी ने मना किया था, चले हूं प्रसंग दुरायो तब हूं। लेकिन काम चरित नारद सब भाखे, सारा चरित्र नारद जी ने अपने मुख से स्वयं वर्णन कर दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज यहां पर टिप्पणी लिख रहे हैं, यही भगवान की माया है, अति प्रचंड रघुपति कहे माया, अति प्रचंड
नारद कहो सहित अभिमाना, वाणी तो अभिमान से युक्त है लेकिन कृपा तुम्हारी सकल भगवान। महाराज आप ही की कृपा से सब संभव हुआ है, भीतर तो अभिमान है लेकिन वाणी में विनम्रता प्रदर्शित की जा रही है। ऐसा व्यवहार जगत में भी देखने को मिलता है। ये सब कथाएं, इन कथाओं से जुड़ी घटनाएं हमारे जीवन में पग पग पर अनुभव होती हैं, हम उसका अनुभव करते हैं और परिस्थितियां वैसे सृजित होती हैं। बंधुओं, देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान जान गए कि इनके हृदय में अभिमान का अंकुर प्रकट हो गया है और यह अभिमान का अंकुर अभी छोटा है, ये नष्ट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये रोग बन जाएगा। और भगवान ने लीला रच दी। नारद जी महाराज भगवान के यहाँ से विदा हुए, चले तो रास्ते में भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक नगर प्रकट कर दिया, सुंदर नगर प्रकट कर दिया माया में। और उस नगर का राजा शील निधि, उसकी कन्या विश्व मोहिनी। नारद जी महाराज ने नगर को देखा और नगर में चले गए, राजा के यहां पहुंचे। शील निधि राजा ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया। राजा शील निधि ने कहा, मुनिवर आप मेरी बेटी का हाथ देख करके बताओ इसका भाग्य कैसा हो। नारद जी ने विश्व मोहिनी का जब हाथ देखा के लिए अपने हाथ में, विश्व मोहिनी का हाथ जब नारद जी ने लिया, बस भगवान की माया व्याप्त हो गई। बात कितनी अद्भुत है, विश्व मोहिनी कौन है? राजा शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी। ये विश्व मोहिनी कोई साधारण कन्या नहीं, यही माया है जो सारे विश्व को मोहित कर रखी, इसका नाम ही विश्व मोहिनी। जो सारे विश्व को मोहित करती वही तो भगवान की माया है विश्व मोहिनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए कह रही थी इसका जो पति होगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी होगा।
अजर अमर होगा सब कुछ। तो नारद जी ने सोचा कि क्यों न मैं ही इससे विवाह कर लूं, तो मैं अजर अमर हो जाऊं, विश्व बंदे हो जाऊं, सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। और नारद जी के मन में माया व्याप्त हो गई। राजा शील निधि ने अपनी बेटी के स्वयंवर की घोषणा की। नारद जी ने सोचा इस स्वयंवर में मैं भी आऊं और ये कन्या मेरा वरण कर ले तो कितना अच्छा, लेकिन अब ये काम होगा कैसे? कन्या तो तभी वरण करेगी जब सुंदर रूप होगा। कन्या वरयते रूपम, कन्या तो रूप का वरण करती है, सुंदर रूप हो तभी ये मेरा वरण करेगी। तो नारद जी को तुरंत ध्यान आया, रे भगवान से बढ़िया रूप तो किसी का नहीं, भगवान तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान है और भगवान मेरे हितैषी, भगवान मेरे अपने, मैं उन्हीं के पास चलूं और उनसे कहूं कि भाई आप अपनी सुंदरता मुझे दे दो और उनकी सुंदरता कुछ देर के लिए मुझे मिल जाए तो इस कन्या को प्राप्त किया जा सकता है। ये योजना नारद जी के मन में आ गई और नारद जी सीधे भगवान के पास चल पड़े। जब भगवान के पास चले तब तक रास्ते में भगवान मिल गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए, प्रकट हो गए। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हो गए, नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा प्रभु आप मेरे परम हितैषी हो, आप अपना रूप मुझे दे दो, आपका रूप अगर कुछ देर के लिए मुझे मिल जाएगा तो मैं उस कन्या को प्राप्त कर लूंगा। और ऐसा कहते हुए नारद जी ने कहा कि जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, करूं सुवेगी दास में, मैं आपका दास हूं और जिसमें मेरा हित हो वो आप करो। तो भगवान ने भी गूढ़ वाणी में कहा कि जेहि विधि हुई है परम हित नारद, सुनो तुम्हार सोहब सोहम करम न आन कछु मृषान वचन हमार, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूंगा और जाओ। नारद जी ने विदा, नारद जी को भगवान ने विदा कर दिया। नारद जी को लगा भगवान ने अपनी, लेकिन भगवान ने नारद जी को अपनी सुंदरता नहीं, नारद जी ने भगवान ने विचार किया कि नारद को अगर मैं सुंदर बना दूंगा तो मेरा नारद सदा के लिए बंदर बन जाएगा, और अगर मैं अपने नारद को आज बंदर का रूप दे दूंगा तो मेरा नारद सदा के लिए सुंदर बना रहेगा। क्यों? बोले अगर आज मैं नारद को सुंदर बना दूंगा तो नारद का वरण कर लेगी विश्व मोहिनी, और फिर बोले नारद जी बंदर बन जाएंगे। बोले क्यों बंदर बन जाएंगे? बोले विवाह के पहले ही जो नारी के मोह में इतना व्याकुल है, विवाह होने के बाद उसकी क्या स्थिति, फिर तो नारी उसे नचाएगी। नार विवश नर सकल गुचाही, नाचे नर मरकट की नाई, फिर तो बंदर के समान मेरा नारद नाचेगा। लेकिन आज अगर मैं इसे बंदर बना दूंगा तो मेरा नारद सदा के लिए सुंदर बना रहेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी को अपनी सुंदरता नहीं दी, विदा कर दिया। बोले ठीक है जाओ। नारद जी को विश्वास था, नारद जी आए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। जब आए नारद जी तो नारद जी को लगा कि हम तो बड़े सुंदर हैं, कन्या मेरा ही वरण करे। लेकिन जितने लोग वहां बैठे थे उनको नारद पढ़ रहे थे, नारद मुनि है, यही समझ करके लोग आकर के उनको प्रणाम करते, उनको आदर देते। विश्व मोहिनी जो थी उसको नारद जी महाराज का मुख बंदर जैसा दिखाई पड़ रहा। बार बार नारद जी उचक रहे थे कि शायद विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल दे, लेकिन विश्व मोहिनी ने तो उधर देखा ही नहीं। यही दिश बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा की ओर तो नृप कन्या ने देखा ही। सो दिश तेह न बिलोकी भूली, कन्या ने भूल करके भी उधर नहीं देखा और नारद जी सोचते ही रह गए कि शायद अब कन्या मेरा वरण करेगी, अब मेरी तरफ देखेगी। तब तक उसी समय भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आ गए। सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके भगवान आए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए। धरि नृप तनु कह गयउ कृपाला, धरि नृप तनु कह गयउ कृपाला, तुअरि हरषि मेलो जयमाला।
शंकर जी के गणों को भी शाप दे दिया, बोले जाओ तुम राक्षस हो गए। और फिर नारद जी महाराज वहां से क्रोध में व्याकुल होकर के चल पड़े। क्रोध में व्याकुल होकर के नारद जी चले और यही कहा कि दईहों शाप की मरीहों जाई, आज मैं जाकर के भगवान को शाप दूंगा या तो मर जाऊंगा। मेरा इतना बड़ा उपहास कराया, क्रोध में भगवान को शाप देने के लिए चल पड़े। देखो, काम को और क्रोध को जीतने का अभिमान क्षण भर के लिए आया, से इतने उतावले हो गए नारद जी कि क्या फजीहत थी। और क्रोध भी आ गया, और कैसा क्रोध, बोले भगवान के ऊपर क्रोध, अपने इष्ट पर ही क्रोध आ गया। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह को हम जीतेंगे अथवा हमने वश में कर लिया, ये अभिमान जीवन में कभी ना हो, क्योंकि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। 2 मिनट में, 2 सेकंड में सब अभिमान निर्गलित हो जाता है। नारद जी महाराज भगवान के ऊपर क्रोध करके चल पड़े, दईहों शाप की मरीहों जाई, और भगवान को शाप देने के लिए चले। तब तक रास्ते में भगवान मिल गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले तनु जाए, बीच ही रास्ते में भगवान मिल गए। और संग रमा स्वई राजकुमारी, और अकेले नहीं मिले भगवान, एक तरफ भगवान की पत्नी लक्ष्मी और दूसरी तरफ वो विश्वमोहिनी, एक पत्नी इधर एक पत्नी इधर। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा और सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी जिसको नारद जी। अब नारद जी ने जब भगवान को देखा और भगवान मुस्कुरा रहे थे, अब तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। ये देखो, मेरा एक भी विवाह नहीं होने दिया और अपना 2-2 विवाह करके बैठे, एक दाहिनी एक बाएं, 2-2 पत्नियां। अब तो नारद जी को और क्रोध आया और नारद जी भगवान को शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद जी ने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं, जो चाहो सो करो, लेकिन आज आपका पाला मुझसे बड़ा डहक डहक परिचय सब का। क्रोध में आकर के तमतमाते हुए नारद जी ने भगवान को शाप दे डाला, कर्म शुभ अशुभ तुम्हें न बाध, आपको शुभ अशुभ कर्मों का कोई बंधन नहीं है, लेकिन आज तक आपको कोई भला व्यक्ति नहीं मिला। और नारद जी ने शाप दे दिया। नारद जी ने कहा, जो रूप धारण करके आपने मुझे ठगा है, राजकुमार का रूप बना करके आपने आकर के कन्या से विवाह कर लिया, मेरा विवाह नहीं होने दिया, यही रूप आपको धारण करने पड़ेगा, आप राजा के बेटा बनोगे एक साथ। फिर नारद जी ने कहा कि आपने मेरी बंदर जैसी आकृति बना दी, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे विपत्ति पड़ने पर, कोई दूसरा सहायक भी नहीं बने। दूसरा शाप दिया। और तीसरा शाप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, आपको भी नारी का विरह होगा, नार विरह तुम होब दुखारी, पत्नी के विरह में आपको महान दुख होगा। 3 शाप दिया। तीनों शाप सुनने के बाद भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मानो मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं, मुनिवर आपने तो मुझे वरदान दे दिया, भले आप इसे शाप समझ करके दे रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो वरदान है। आपने मुझे अवतार लेने के लिए वरदान दे दिया कि मैं राजा का बेटा बनूं, ये कोई शाप थोड़ी। और आपने जो दूसरा शाप दिया कि बंदर सहायता करेंगे, कोई किसी की सहायता करे ये तो अच्छी बात है, तो वरदान है, एक शाप कैसे हो सकता। और हे नारद, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, मैंने तो तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, लेकिन तुमने तो हमारे विवाह का वरदान दे डाला। नारद जी ने कहा, वरदान कहां दिया, मैंने तो शाप दिया है। भगवान ने कहा कि नारद, तुमने यही कहा कि नारी विरह तुम होब दुखारी, पत्नी के विरह में तुम दुखी होगे, तो पत्नी का विरह तभी होगा जब पत्नी होगी, इसका मतलब पहले विवाह तो होगा, तो आपने तो हमारे विवाह का वरदान दे डाला। मैंने तो आपका विवाह नहीं होने दिया और आपने तो हमारे विवाह का वरदान भी दे दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, नारद अब एक बात तुम न कहना। नारद जी ने कहा, क्या? भगवान ने कहा
कि जो ये कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है, लेकिन हे मुनिवर आपने जो ये शाप दिया है, साप को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। साप शीश धरि हरस ही प्रभु बहु विनती। और फिर भगवान ने जब अपनी माया को दूर कर लिया, सब भगवान की माया थी, भगवान ने जब माया को दूर किया, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राज कुमारी, न रमान राज कुमारी, सब भगवान की माया थी। फिर तो नारद जी को ज्ञान हो गया और नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा कहे बाह्य प्रण तारति हरना, और चरणों में गिर करके नारद जी ने कहा मृषा हो मम साप कृपाला। हे मुनि, हे प्रभो, मेरा साप झूठा हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला, जो मैंने शाप दिया है ये साप असत्य हो जाए, ये सत्य न हो। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा कि मम इच्छा कह दीन दयाला। दीन दयाल भगवान श्री हरि ने कहा कि ये मेरी इच्छा है। फिर वही बात आ गई ना, भगवान किसी के शाप से किसी के ताप से अवतार नहीं लेते, भगवान की ही इच्छा कारण होती, उसके पीछे भी भगवान की इच्छा ही कारण है, निज इच्छा निर्मित। और यहां भी भगवान यही कहते हैं मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी ही इच्छा थी इसलिए मैंने ऐसी लीला की, इस कारण से भगवान का अवतार हुआ। यह भी भगवान के अवतार का एक हेतु। और फिर